वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के आपकी चैप्टर फोर द रेड ट्रेप के पार्ट वन का हिंदी ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था और उसी के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी शानदार ट्रिक से। इसमें हमने आपके लिए आपकी बुक के और साथ ही एडिशनल जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं आरबीएससी सीबीएसई में, वो सारे तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने आपके 6 क्वेश्चंस लिए हैं, 6 क्वेश्चंस लिए हैं और आंसर्स 2 ही लिए हैं, और वो भी शानदार ट्रिक से। आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमने इस तरीके से आंसर बनाया है कि आपको अलग से आंसर रटने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेड ट्रिप। ये आपकी बुक का है, यानी फेरी वाले को ये आइडिया कहाँ से मिला कि संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, और व्हाट एंटरटेनिंग आइडिया केम इनटू द माइंड ऑफ द रेड ट्रिप सेलर, और चूहेदानी बेचने वाले के माइंड में कौन सा एंटरटेनिंग आइडिया यानी कौन सा मनोरंजक विचार आया। और थर्ड है, व्हाट वॉज द पेडलर फेवरेट पास्ट टाइम। फेरी वाले का सबसे पसंदीदा पास्ट टाइम यानी कि टाइम पास कौन सा था, व्यतीत करने का कौन सा ऐसी चीज थी जिसको अच्छी लगती थी। अभी 3 क्वेश्चन हैं, इनका हमने शानदार ये आंसर बनाया है। आइए देखते हैं, वर्ड लिमिट आप इसको 30-40 वर्ड्स ले जा सकते हैं, चाहे तो 50 और प्लस भी ले जा सकते हैं। द पेडलर वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन मेडिटेशन। फेरी वाला हमेशा उसके अपने चिंतन में खोया रहता था, या मेडिटेशन आप लिख सकते हैं। और अगर ये भूल जाएं तो आप यहाँ पर एक और वर्ड दे देता हूँ, मान लो बच्चे बहुत सी बार भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर थॉट्स भी लिख सकते हैं, अगर भूल जाएं तो उसके अपने विचारों में खोया हुआ रहता था। ठीक है, वन डे ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रिप्स। एक दिन वो उसके चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। Suddenly an entertaining idea came into his mind. अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया जो उसको बड़ा entertaining लगा, यानी बड़ा आनंददायक लगा। There the whole world about him was nothing but a big red trap. कि ये सारा संसार जो उसके चारों ओर है, ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी के सिवा और कुछ नहीं है। इट ऑफर्ड ऑल गुड थिंग्स एज बेट्स टू एंट्रेप पीपल। ये लोगों को एंट्रेप करने के लिए यानी उनको जाल में फंसाने के लिए बेट्स यानी लालच की वस्तु ऑफर करता है, यानी परोसता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब नंबर 4 है, वाई वॉज द पेडलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया द वर्ल्ड बींग अ रेड ट्रैप। वो ये चूहे दानी है, ये संसार ऐसा विचार आकर वो अम्यूज यानी बड़ा खुश क्यों हुआ, हैप्पी क्यों हुआ, उसको आनंद क्यों आया। 5वां जो बोर्ड में आता है उस तरीके से कोटेशन दे देता है, लाइन उठा लेता है और फिर आपसे पूछता है कि इसके बारे में आप विस्तार से वर्णन कीजिए, समझाइए। इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ये लाइनें आपके चैप्टर से ली गई है, इन्वर्टेड कोमा में। इसका हिंदी अर्थ है, ऐसा करने से उसको असीमित आनंद की प्राप्ति होती थी, इस तरीके से जब वो बुरा सोचता था, इसे लाइन दे देता है वो। व्हाट थिंग गिव्स द पेडलर सो मच एंटरटेनमेंट। कौन सी वस्तु है, ये लाइन दे देगा आपको, नहीं बताएगा कि संसार चूहेदानी है, पेपर में एग्जाम में ये दे देगा। कौन सी वस्तु उसको बड़ी ही मनोरंजक लगी और एंजॉयमेंट यानी आनंद देती है। फॉर हुम डज ही थिंक एविल थिंग्स, किसके बारे में वो बुरी चीजें सोचता है, ये लाइन देकर। ठीक है, और 6 क्वेश्चन देके, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड द पेडलर यूजुअली गेट फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार उसके प्रति कैसा ट्रीटमेंट यानी बिहेवियर करता था, कैसा व्यवहार करता था, ये है। इसका भी आंसर इसी में से है, आइए समझते हैं। तो संसार के बारे में बुरा क्यों सोचता है फेरी वाला। The world had never been kind to the peddler. ये संसार फेरी वाले के प्रति कभी काइंड नहीं रहा, दयालु नहीं रहा।
ही ऑलवेज मेट सावर फेसेस, सावर फेसेस यानी कि खट्टे चेहरे पर, यहाँ मान लीजिए मना करने वाले चेहरे, उदास चेहरे। वेर एवर ही आस्क्ड फॉर शेल्टर, जहाँ भी उसने शेल्टर यानी शरण मांगी, उसको लोगों ने दुत्कार दिया, मना कर दिया। इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय, ऐसा उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड बींग रेट रेप, जब वो इस संसार के बारे में बुरा सोचता था। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो फेरी वाला है इसके साथ संसार कैसा व्यवहार करता था, तो इसका आंसर आप यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं, और वर्ड लिमिट बढ़ाएं तो आप इसको यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 4, 5 और 6 का आंसर हो जाएगा, यानी 6 का क्वेश्चन क्या है, कैसा व्यवहार करता था, तो आप लिख सकते हैं संसार उसके लिए कभी दयालु नहीं था, जहाँ भी वो शरण मांगता था उसको मना कर दिया जाता था, और वर्ड लिमिट बढ़ानी हो तो फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 आंसर हैं और 6 क्वेश्चन हैं, ये तो मोस्ट है। उसके अलावा मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तब आपको ये भी बताया था कि वो उसकी कमाई कैसे करता था, उसकी लिवलीहुड यानी लिविंग कैसे कमाता था, वो भी क्वेश्चन मैंने उसी टाइम पढ़ाया तब बताया हुआ है, और आप लोगों को मैंने समझाया भी था कि यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर इसमें से भी सबसे मोस्ट क्वेश्चन बताइए, तो फिर वो जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पार्ट है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में फिर इसके हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जहाँ भी हम क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग अपोजिट सब सीखेंगे जो पैसेज में आता है उस तरीके से, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।